दोस्तों, कैसे आप लोग? आए होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग की। आज मैं बात करूंगा बजाज पल्सर 125 जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंची है, लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। एंड दी होंडा शाइन एसपी 125 जो कि 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा रूल करने वाली बाइक है। दोनों गाड़ियों में क्या कंपैरिजन रहेगा, क्या रहेगी स्पेसिफिकेशन, कैसा रहेगी गाड़ी दोनों में और कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए, तो आखिर तक वीडियो देखिए बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कंक्लूजन वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग्स। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूले, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, हम वेस्ट नहीं करते टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बजाज पल्सर 125 बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंच चुकी है गाड़ी, बहुत जल्द ये लॉन्च होने वाली है, मैक्सिमम लोग टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं। लेकिन इसका जो मेन कंपटीशन है होंडा शाइन एसपी के साथ, लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये केटीएम के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए, लेकिन वो हाई एंड बाइक है और बजाज ने काफी अच्छा थीम यूटिलाइज किया जैसे केटीएम ने किया है अपनी वही बाइक पे कम सीसी का इंजन लगा के, तो सेम पल्सर ने भी वही किया है, बाइक वही है लेकिन इंजन को छोटा कर दिया गया है और ये काफी अच्छी अब वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। और इसका मेन कंपटीशन अब बन जाता है होंडा शाइन एसपी 125 से जो कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा रूल कर रही है और सबसे ज्यादा गाड़ी इसी की ही बिकती है बिकॉज ऑफ द इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइवर इंजन, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, सारी चीजें काफी अच्छी है होंडा शाइन में। क्या ये पल्सर इसको टक्कर दे पाएगी? सो फ्रेंड्स, दोनों ही गाड़ी कम्यूटर सेगमेंट में आती है लेकिन जो सिटिंग पोस्चर आपको पल्सर 125 में मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, ना कम्यूटर ना स्पोर्टी, मतलब बीच का मिलता है आपको। और जहां होंडा शाइन है उसमें सिटिंग पोस्चर आपको एकदम कम्यूटर सेगमेंट की मिलती है, तो मतलब आपको ज्यादा बैक पेन नहीं होगा इस गाड़ी में। पल्सर 125 आपको पूरा का पूरा जो ढांचा है बोलते हैं जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है आपको पल्सर 150 नियॉन का पूरा मिलता है, लेकिन आपको सिर्फ इंजन को ही चेंज किया जाए। अगर 150 नियॉन के हिसाब से देखा जाए तो 125 में मिलता है फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट विद पायलट लैंप, हेड पैनल से देखेंगे तो गाड़ी काफी अच्छी दिखती है, ब्लैकआउट पूरा थीम है तो आपको स्पोर्टीनेस काफी अच्छी देखने को मिलता है। रियर एंड की बात करें तो आपको वही पल्सर का टेल एंड मिलता है, नैरो टेल एंड, इसमें कोई भी स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट का ऑप्शन, एलईडी बैकलाइट्स मिलते हैं आपको स्विच गियर्स में, एंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो ज्यादा हाईलाइटिंग पार्ट है बिकॉज एनालॉग प्लस डिजिटल विद आरपीएम मीटर आपको मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। जो पल्सर 150 न्यून है सेम वैसा ही सेटअप आपको इस गाड़ी में देखने मिलता है, लेकिन इसमें आपको येलो कलर की बैकलाइट्स मिलती है, ना कि ब्लू एंड व्हाइट वैसा टाइप का नहीं है, इसमें येलो टाइप की मिलती है। बात करें शाइन की तो शाइन का डिजाइन भी थोड़ा यूनिक है, अलग है, ये कम्यूटर सेगमेंट टाइप की पूरी पूरी लगती है गाड़ी। फ्रंट में आपको मिलता है आपको हैलोजन हेडलाइट, नॉर्मल सा डिजाइन है, थोड़ा बहुत क्रोम फिनिश आपको मिलता है। साइड पैनल में देखेंगे तो साइड पैनल में आपको थोड़ा सा क्रोम देखने को मिलता है, टैंक साइज नॉर्मल जैसा होता है, हल्का सा टैंक एक्सटेंशन मिलता है आपको एसपी वाले एडिशन में। पेंट की बात करें तो हैलोजन बल्ब मिलता है आपको टेल एंड में जो कि आपको पल्सर में एलईडी मिलता है, एक प्लस पॉइंट उसमें वहां मिल जाता है। सीट मिलती है आपको इसमें और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल है, लेकिन आपको कोई भी आरपीएम मीटर देखने को नहीं मिलता है एसपी शाइन में। डिजाइन काफी मिनिमिस्टिक रखा है, ज्यादा एनहांस नहीं किया है, चीजों को नॉर्मल रखा गया जिससे लोग को ज्यादा पसंद आती है। अगर मैं डिजाइन वाइज बात करूं तो ये पल्सर जो उन लोगों को पसंद आएगी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है उन लोगों को काफी अच्छी पसंद आएगी। अब बात करें शाइन की तो शाइन का डिजाइन भी कुछ यूनिक है, जो लोग डे टू डे एक्टिविटी के लिए गाड़ी चाहिए जिसमें ज्यादा स्ट्रेस ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, प्लस एवरेज भी काफी अच्छा मिले और इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे और मेंटेनेंस में लो हो, तो देन यू शुड गो फॉर शाइन। बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन तो इंजन स्पेसिफिकेशन में भी काफी डिफर है, लेकिन इंजन स्पेसिफिकेशन से जज मत करिएगा, मैं आखिर में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या कहानी है। बात करें अब होंडा शाइन एसपी 125 की तो इसमें लगा हुआ 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर टू वॉल वाला इंजन जो कि पावर आउटपुट निकालता है 2.57 बीएचपी का पावर आउटपुट और जो इसमें टॉर्क मिलता है 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है और इसमें मिलता है आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स। और अब बात करूं पल्सर की तो पल्सर में मिलता है आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर डीटीएस इंजन जो कि पावर आउटपुट निकालता है 11.8 बीएचपी का पावर आउटपुट एंड जो टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें मिलता है आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब पावर के हिसाब से देखा जाए तो पल्सर का पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू शाइन, दोनों गाड़ी में आपको मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, लेकिन दोनों गाड़ियों का वेट काफी डिफरेंस है। लाइक आपको पल्सर 125 का वेट मिलता है 140 और आपको
शाइन का मिलता 129 केजी, 11 किलो का वेट का डिफरेंस है। दैट मींस पावर टू वेट रेशियो दोनों गाड़ियों का अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पल्सर का ही अच्छा है, पावर टू वेट रेशियो दोनों ही गाड़ी का अच्छा है, दोनों गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं पावर टू वेट रेशियो का। आप बात करें इसके साइकिल पार्ट्स की तो यहाँ पर भी कुछ चीजें डिफर है। जैसे शाइन एसपी 125 में मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और पीछे हाइड्रोलिक सस्पेंशन, लेकिन पल्सर में आपको थोड़ा अपग्रेड होकर मिलता है, दैट इज फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और पीछे मिलता है नाइट्रॉक्स ट्विन सस्पेंशन सेटअप। अब बात करें दोनों गाड़ियों के ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की तो दोनों गाड़ियों में मिलता है 40mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और पीछे मिलता है 130mm का ड्रम ब्रेक। लेकिन अगर मैं ड्रम ब्रेक वेरिएंट की बात करूं दोनों गाड़ियों में, तो दोनों गाड़ियों का ड्रम ब्रेक आपको पल्सर का ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 170mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन शाइन में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो ड्रम ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो पल्सर का ब्रेकिंग डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, और दोनों गाड़ियों में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड मिलता है। बात करें दोनों गाड़ियों के व्हील साइज की तो जहां आपको पल्सर में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और आपको शाइन में मिलता है 18 इंच के अलॉय व्हील्स, लेकिन पल्सर का जो टायर है वो काफी अच्छा है, थोड़ा सा रेडियल मिलता है। शाइन में जो टायर मिलता है वो 2.75 का फ्रंट एंड रियर दोनों मिलता है, मतलब स्किनी टायर मिलता है। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है डिफर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जहां पल्सर मिलता है 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी और आपको शाइन में मिलता है 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक। दोनों गाड़ियों का अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ऑन एंड ऑन ठीक ठाक मिल जाता है, 60 प्लस आपको मिल जाएगा दोनों गाड़ियों में। डिपेंड करता है आप उस गाड़ी को कैसे रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, जहां मेंटेन अच्छा नहीं होगा एवरेज डाउन हो जाएगा, जहां मेंटेन अच्छा होगा वहां पर 60 प्लस इजीली मिल जाएगा। अब बात करें दोनों गाड़ी की प्राइसिंग की तो पल्सर में मिलता है दो वेरिएंट, दैट इज डिस एंड ड्रॉप। डिस वाले वेरिएंट की अगर बात करूं तो 66,618 रुपीस आपको देना पड़ेगा फॉर द शोरूम प्राइस, जो ड्रम ब्रेक है वो आपको देना पड़ेगा 64,000। अब मैं शाइन एसपी 125 की बात करूं तो अगर इसके डिस ब्रेक लेते तो ऑलमोस्ट 68 से 69,000 पहुंच जाता है, और अगर ड्रम ब्रेक लेते हैं तो 65 तक आपको इसका ड्रम ब्रेक का प्राइस आ जाता है, और ऑन रोड प्राइस अलग हो जाएगा, उसमें आरटीओ इंश्योरेंस अलग ऐड हो जाता है। आप बात करें मेरे कंक्लूजन की तो कौन सी गाड़ी लेना सबसे बेहतर है आपके लिए, सो फ्रेंड्स अगर मैं ओवरऑल गाड़ी की बात करूं तो पल्सर बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको 125 सी सेगमेंट में आपको पल्सर का ही पूरा मॉडल देखने को मिलता है, इंजन आपको DTSI मिलती है, प्लस आपको ऑन एंड अच्छा खासा एवरेज मिल जाता है, और जिनको थोड़ा स्पोर्टीनेस यानी थोड़ा अच्छा दिखने वाली बाइक चाहिए देन यू शुड गो फॉर पल्सर, लेकिन आपको डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए और रिलायबल इंजन चाहिए देन यू शुड गो फॉर शाइन। पावर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पावर टू वेट रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप वैसा कंपेयर नहीं कर सकते कि उसका पावर अच्छा है इसका कम है, वेट भी देखना बहुत जरूरी है, तो पावर टू वेट रेशियो दोनों गाड़ियों को अच्छा है। बस ये है कि प्राइस थोड़ा डिफरेंस है, प्राइस अगर थोड़ा कम देके आपको पल्सर मिले तो शूट गो फॉर पल्सर, सोच रहे लॉन्ग टर्म के लिए देन शूट गो फॉर शाइन। सो फ्रेंड कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट बोथ दी बाइक पल्सर 125 एंड दी होंडा शाइन एसपी 125, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, और इस बाइक से रिलेटेड को भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज इंस्टाग्राम का जो हैंडलर है इस पर फॉलो कर लीजिए, विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स अगर आप लोगों ने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और टिल देन चाओ।